भारतीय महिला टीम को फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने वाली सलामी बल्लेबाज पूनम राउत के खेल ने सभी को प्रभावित किया। अपने खेल से सभी का दिल जीतने वाली पूनम के बारे में बड़ी रोचक जानकारी पता चली है। जब पूनम महज 12 साल की थी तब वो न केवल मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के लड़कों की अंडर 14 टीम में शामिल हुई बल्कि लड़कों को पछाड़ते हुए सेलेक्ट भी हुई। हालांकि बाद में उनके लड़की होने का पता चलने पर वो इस टीम में नहीं खेल सकी। पूनम के बचपन की बात उनके कोच संजय गायतोंडे ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कही है। गायतोंडे उनके खेल से काफी प्रभावित थे। उन्होंने पूनम को नहीं बताया कि ये कैंप केवल लड़कों के लिए है। गायतोंडे ने कहा कि मैं उनकी प्रतिभा को परखना चाहता था और इसीलिए मैंने उसे जाने के लिए कहा। वो वहां गई और लाइन में खड़ी हो गई। जब उनकी बारी आई तो चयनकर्ता अनिल मजूमदार उसकी बल्लेबाजी से काफी प्रभावित हुए। मजूमदार ने उसे बुलाया और उसका नाम पूछा। नाम सुनने के बाद वो हैरान रह गए और पूछा वो लड़कों के कैंप में क्या कर रही है। तब मैंने उनसे कहा कि मैं बस इसके हुनर को परखना चाहता था और पूनम ने अब खुद को साबित कर दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि बचपन में पूनम रोहित शर्मा के साथ प्रैक्टिस करती थी। दोनों मुंबई के बोरीवली इलाके में रहते थे। वो अकादमी में अकेली लड़की थी इसलिए कोच उन्हें रोहित जैसे लड़कों के साथ प्रैक्टिस कराते थे। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।